मेरी जो कहानी है उसका शीर्षक है न्याय प्रिय राजा। और ये एक बाइबल से स्टोरी है जो कि पाई जाती है पहला राजा 3 अध्याय उसकी 1 से 28 आयत तक। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो कि मैं कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूं। मैं कहानी स्टार्ट करूंगी और आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं किस राजा की बात कर रही हूं। तो एक बार एक राजा थे और बाइबल के बहुत माने हुए बुद्धिमान राजा जो कि बहुत न्यायप्रिय माने जाते हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले राजा हुए और ये दाऊद के पुत्र थे। और ऐसा होता है कि एक रात जब ये राजा रात में सोते हैं तो इनको एक स्वप्न आता है। एक सपना देखते हैं कि इनको एक आवाज सुनाई देती है कि हे सुलेमान, तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग ले, मैं तो तेरी इच्छा को, तेरी विश को पूरी करूंगा, जो तू चाहे वो मांग ले। तो राजा सपने में ही है और वो सोचते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हे स्वामी, परमेश्वर की प्रजा का न्याय करना बहुत मुश्किल है और आप मुझे इतनी बुद्धि दें, ज्ञान दें, समझ दें कि मैं आपके प्रजा का, आपके लोगों का न्याय बहुत समझदारी से कर सकूं, और क्योंकि उनका न्याय करना बहुत मुश्किल है, मैं अच्छे और बुरे के ज्ञान को समझ सकूं, मैं ये जान सकूं कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन बुरे लोग हैं। तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि सुलेमान ने बहुत अच्छा वर मांगा है और चाहते तो वो कुछ और भी मांग सकते थे। तो वो सुलेमान बादशाह से कहते हैं कि हे सुलेमान, मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ना तो तूने दीर्घायु मांगी, ना धन मांगा, ना ऐश्वर्य मांगा, ना ही राजपाट मांगा, ना सैनिक मांगे, और कुछ भी ऐसी बड़ी चीज नहीं मांगी, परंतु तूने मुझसे बुद्धि मांगी है। तो मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, और इसके साथ में मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा और सब कुछ दूंगा जो एक राजा को चाहिए। फिर राजा की आंख खुल जाती है, राजा बहुत खुश होते हैं। और फिर उसी समय क्या होता है कि बुद्धि मिल चुकी है सुलेमान बादशाह को। वो क्या करते हैं कि जब अपने दरबार में बैठे होते हैं, दरबार में बैठे हैं, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द में हैं उनके, और सोचते हैं कि पता नहीं आज राजा क्या न्याय करेगा और किस बात पर चर्चा चलेगी। तभी अचानक क्या होता है कि 2 स्त्रियां आपस में लड़ती हुई आती हैं, बहुत लड़ती हैं, बहुत झगड़ा करती हैं, और राजा भी समझ नहीं पाता ये क्यों झगड़ा कर रही हैं। दोनों के हाथ में एक एक बच्चा है और वो परेशान हो जाते हैं राजा कि ये झगड़ा किस बात पे कर रही है, दोनों के पास तो एक एक बच्चा है। बाद में उनका झगड़ा जब राजा सुनते हैं तो वो खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो दोनों झगड़ा करती हैं कि ये मेरा बच्चा है, वो कहती है, पहली कहती है दूसरी से, ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है ये मेरा बच्चा है। फिर राजा उनको शांत कराते हैं और बोलते हैं कि शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या बात है। तब पहली वाली जो स्त्री है वो कहती है कि हे महाराज, 3 दिन पहले, हम दोनों स्त्रियां एक घर में रहते हैं, और 3 दिन पहले मैंने एक पुत्र को जन्म दिया और 3 दिन बाद इसने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। तो लेकिन जो इसका पुत्र है वो इसके पीठ से दबकर रात में मर गया और रात को इसने चुपके से उस बेटे को मेरे पास लेटा दिया। और जब मैं अपने बेटे को रात में दूध पिलाने के लिए उठी तो देखा कि मेरा पुत्र मरा हुआ है, और लेकिन ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र तो जीवित था, ना बीमार था ना कुछ था। तो राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि एक असमंजस की घड़ी है, ये एक परेशानी की घड़ी है, मैं इसका न्याय कैसे करूं, क्योंकि ये एक कठिन परिस्थिति थी, दोनों बच्चे छोटे हैं, दोनों माएं एक बच्चे के लिए लड़ रही हैं, जीवित पुत्र के लिए परेशान हो जाती हैं। तब राजा सोचते हैं और वो मन में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तब उनको एक बहुत अच्छा आइडिया दिमाग में आता है,
वो अपने सैनिक से बोलते हैं कि तलवार लेकर आओ, और वो तलवार लेकर राजा के सामने लाई जाती है। फिर राजा बोलते हैं कि ये जो जीवित बेटा है, जो जीवित लड़का है, उसके दो टुकड़े कर दिए जाएं, एक आधा हिस्सा एक स्त्री को दे दिया जाए और आधा हिस्सा जो है वो दूसरी स्त्री को दे दिया जाए। फिर उनमें से जो एक लेडी थी, जो पहली औरत थी जिसने कंप्लेन की थी कि ये बच्चा मेरा है, जीवित पुत्र मेरा है, वो एकदम से चीखने लगती है, रोने लगती है और कहने लगती है कि हे दयालु राजा, आप तो दया करने वाले राजा हैं, न्याय करने वाले राजा हैं, और ऐसा करें, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करानी है, मैंने जो इस स्त्री के विरोध में कंप्लेन कराई है उसको मैं वापस ले लेती हूँ, लेकिन आप इस जो जीवित पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, आप इसको ना मारें, बिल्कुल ना काटें, क्योंकि मैं अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ, और ये अगर मार दिया जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो लेकिन जो दूसरी स्त्री थी वो कहती है, हे महाराज, मैं आपके न्याय से बहुत प्रसन्न हूँ, और ना ये पुत्र मेरा रहे ना इसका रहे, इसके दो हिस्से कर दिए जाए। राजा तुरंत समझ जाते हैं और उनको समझने में देरी ही नहीं लगती है कि ये जीवित पुत्र किसका है। वो भी कहते हैं कि मैं अपनी कंप्लेन को वापस लेता हूँ, और ये जो पुत्र है ये पहली वाली स्त्री को दे दिया जाए, क्योंकि असलियत में यही इसकी असली माँ है, क्योंकि कोई भी औरत अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने, कोई भी माँ मरता हुआ नहीं देख सकती है, ना ही उसको फटता हुआ देख सकती है। और राजा के इस न्याय को देखकर वो स्त्री बहुत खुश होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी विनती प्रार्थना को सुना गया और उसका पुत्र उसको मिल जाता है। तो जितने लोग उसके दरबार में खड़े होते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि देखते हैं कि राजा इस बात का न्याय कैसे करेंगे, और जब राजा तलवार मंगाते हैं तो भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि राजा ने ये कैसा कठोर निर्णय ले लिया है। लेकिन जब राजा का न्याय देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, पूरे दरबार में तालियां बजने लगती हैं, सब लोग जय जयकार करने लगते हैं कि सुलेमान बादशाह की जय हो, और राजा ने बहुत अच्छा न्याय किया है, जिस माँ का बेटा असलियत में है उस माँ को उसका बेटा लौट आया है। तो आज की थी हमारी ये बहुत प्यारी सी कहानी, और मैं जानती हूँ कि ये कहानी सारे बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी, बच्चों को वैसे भी कहानियां बहुत पसंद हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। तो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप बताओ, या ये कहानी आपको कैसी लगी? मैं सोचती हूँ कि ये कहानी आप में से हर एक बच्चे को बहुत अच्छी लगी होगी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर से कुछ भी सांसारिक चीज ना मांगते हुए अपने लिए बुद्धि मांगनी चाहिए, जिस प्रकार से सुलेमान बादशाह ने मांगी थी। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और बुद्धि की घटी है तो चाहे हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो, वो भी आकर के चला जाता है, क्योंकि हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार से सुलेमान बादशाह ने भी प्रार्थना करके इस बात का न्याय किया, और जो पहली माँ थी उसने भी प्रार्थना की होगी, गड़गड़ा के दीन मन होकर के प्रार्थना की होगी कि मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। तो हमें परमेश्वर से हर पल प्रार्थना करनी चाहिए और अपने लिए बुद्धि मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच।